हेलो दोस्तों, वेलकम यू ऑल टू एवरीथिंग एट वन। आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बांग्लादेश आर्मी से जुड़ा हुआ एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में। तो क्या ही ये पूरा मामला, सब कुछ जानेंगे आज के वीडियो में। तो चलिए बिना किसी देर करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन उससे पहले एवरीथिंग एट वन के तरफ से एक नया यूट्यूब चैनल क्रिएट किया गया है, जिसमें हम बहुत सारे मिस्टीरियस और इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर वीडियोस अपलोड करने वाले हैं। और उस चैनल में हमने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड करके रखा है और उस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो हम आपसे यही उम्मीद करते हैं कि आप एक बार उस चैनल में जाके उस वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें और उस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बांग्लादेश आर्मी में जो मल्टीपल बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है, जिसका नाम है WS-22A। उसके रॉकेट को अब बांग्लादेश के अंदर ही मैन्युफैक्चर किया जा रहा है। WS-22A चाइना का बनाया हुआ एक मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है, जिसके अनगाइडेड रॉकेट्स का रेंज है 30 किलोमीटर और गाइडेड रॉकेट्स का रेंज है 47 किलोमीटर। और पहली बार के लिए चाइना से बांग्लादेश आर्मी के लिए एक रेजिमेंट WS-22A सिस्टम को खरीदा गया था, जो 2015 में डिलीवर किया गया था। और उसके बाद नए और भी चार रेजिमेंट WS-22A सिस्टम को बांग्लादेश आर्मी में इंडक्ट किया गया है। WS-22A के एक व्हीकल में 80 रॉकेट्स को कैरी किया जा सकता है, जिसमें से एक बार में 40 रॉकेट्स को फायर किया जा सकता है और उसके बाद बाकी के 40 रॉकेट्स को फिर से लोड करके फायर किया जाता है। और इस रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम को बहुत ही डिस्ट्रक्टिव माना जाता है, क्योंकि इसके CEP 10 मीटर से भी कम है। CEP का मतलब होता है कॉमन एरर पॉसिबिलिटी, और CEP 10 मीटर से भी कम होने का मतलब है WS-22A में से जो रॉकेट्स फायर किया जाता है वो अपने टारगेट्स के 10 मीटर के अंदर ही हिट करते हैं, जिसको काफी अच्छी एक्यूरेसी माना जाता है। और कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक बांग्लादेश आर्मी WS-22A के टोटल 18 रेजिमेंट को इंडक्ट कर सकता है, जिससे बांग्लादेश आर्मी की फायर पावर में काफी ज्यादा इजाफा होगा। और अब इन सिस्टम्स के रॉकेट्स को बांग्लादेश के अंदर ही मैन्युफैक्चर किया जा रहा है, जो एक बहुत ही अच्छा न्यूज है बांग्लादेश के डिफेंस इंडस्ट्री के लिए। और इससे बांग्लादेश की चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी भी थोड़ा सा कम होगा, और किसी भी वॉर सिचुएशन में बांग्लादेश जितना चाहे उतना रॉकेट्स को प्रोड्यूस कर सकता है। तो अगर ओवरऑल देखा जाए, ये एक बहुत ही अच्छा न्यूज था बांग्लादेश के सारे डिफेंस एंथुसियास्ट के लिए। तो यही था आज का ये पूरा वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इस पूरे मामले में आपका क्या कहना है वो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और ये वीडियो आपको कैसा लगा वो भी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, क्योंकि आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।